नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं मनचाओ सूप की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डाला है तेल। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने छोड़ देंगे। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। आप इसे जितना फाइनली चॉप करेंगे उतना अच्छा टेक्सचर आएगा। इसके बाद में डालेंगे मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। लगभग इन सारी चीजों को एक मिनट तक स्टिर फ्राई करना है। देखिए, ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। जैसे ही ये थोड़ा सा चिपकने लग जाता है इसमें डालेंगे वेजिटेबल स्टॉक। बेसिकली ये जो स्टॉक है वो बनाया गया है कैरेट, पत्ता गोभी और धनिया पत्ती को मिलाकर। आप चाहे तो आपके मन पसंदीदा सब्जियों का भी स्टॉक बना सकते हैं। ऊपर से इसमें पानी भी डालना है। सब्जी और पानी की कंसिस्टेंसी चेक करके इसमें धीरे धीरे पानी डालते जाना है। अब ये स्टॉक डालने के बाद में कम से कम 30 सेकेंड और इसे पकाना है। अब सूप को थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर डाला गया है, यानी कि आरारूट। वैसे सेम तो नहीं होते, लेकिन आप स्विच कर सकते हैं। ये जो चाइनीज सेंटर पे इनको आदत रहती है इसलिए डायरेक्टली डालते हैं, लेकिन आप घर पे कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी मिलाइए और फिर डालिए। एक हाथ से डालते जाइए और दूसरे हाथ से हिलाते जाइए ताकि इसमें गुठलियां ना बने। अब इसमें इन्होंने डाला है स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी चीनी। अब इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, देख सकते हैं आप। अब इसमें डाला है हल्का सा विनेगर। इसे डालने से ही वो चाइनीज वाला टिपिकल फ्लेवर आ पाएगा। वापस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोया सॉस इसमें ऐड किया गया है। अब इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक बॉईल करेंगे और लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है और हमारा मनचाओ सूप खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।